सो गाइज वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। आज आ चुके हैं आज सेक्टर 85, द बियर कैफे हो गया, पिज्जा हट हो गया, ये आपका हल्दीराम का स्टोर हो गया। एक तो हमने स्पेशल वेज थाली करी है गाइज, देख सकते हो ये हमारा पिज्जा चीज ग्रिल सैंडविच भी आ चुका है। सो गाइज वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। आज आ चुके हैं सेक्टर 85 और ये आयरिस ब्रॉड वे, यहाँ पर काफी सारे आपको आउटलेट्स मिल जाएंगे। मैं आपको एक बार बैक कैमरा करके दिखा देता हूँ। अब देख सकते हो ये खाने पीने के काफी अच्छे आउटलेट्स हैं यहाँ पर। ये द बियर कैफे हो गया, पिज्जा हट हो गया, एंड देन बेबी हक, पेपर फ्राई .com, फैब इंडिया, ये एप्पल स्टोर भी है, इमेजिन सैमसंग का बगल में खुल गया है, देन इनका वाओ मोमोज हो गया, यहाँ हल्दीराम्स हो गया, ये चायोस का स्टोर हो गया, एंड देन हेड्स अप फॉर टेल्स, एंड ये फायरफॉक्स ब्रांड है कोई साइकिल का, एंड देन ये रॉविन स्टोर है, ये टॉयज का है, ये आपका हल्दीराम का स्टोर हो गया, एंड देन आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टोर मिल जाते हैं आपको। ये वाओ मोमो का स्टोर हो गया, ये वाओ मोमोज का स्टोर हो गया, इसका भी मैं आपको ट्राई करके दिखाऊंगा, एंड देन वो सामने हो गया आपका बियर कैफ़े, वो पिज़्ज़ा हट, एंड देन पिज़्ज़ा हट के साइड बैक साइड में आपका KFC है। बाकी ले चलता हूँ आपको मैं अंदर हल्दीराम्स के, दिखाता हूँ आपको क्या ऑर्डर करते हैं, आपको दिखाता हूँ क्या ऑर्डर करते हैं अभी फ़िलहाल। लेट्स सी, देख सकते हो काफ़ी वॉचमैन ही इनका, आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ पर, स्ट्रीट फूड, साउथ इंडियन, चाइनीज एक्सप्रेस, द राइस बॉल, एंड पंजाबी तड़का काइंड ऑफ, ये आपका तंदूर से आइटम होते हैं, सैंडविचेस विद चिप्स, मीठा मज़ा, तो पता कर लेते हैं, थाली का ऑप्शन देते हैं, थाली ट्राई करते हैं। ऑर्डर कर दिया है, मैं आपको बताता हूँ, एक तो हमने स्पेशल वेज थाली करी है, एंड देन पिज़्ज़ा चीज़ ग्रिल सैंडविच किया है, और एक वेज नूडल्स किया है, और दो बादाम मिल्क ले लिए हैं, तो बादाम मिल्क तो हमारे पास आ गए हैं। ये देख सकते हो काफ़ी ठंडा है, और ये फ्रीज हो रखा है एक्चुअली, तो उसके लिए मैं स्ट्रॉ लेके आ गया हूँ, एंड स्ट्रॉ से इसको थोड़ा सा स्टर करके मैं उसके बाद ही पी पाऊँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रीज हो रखा है। अभी जैसे ही मेरा ऑर्डर रिकॉल होगा मैं ऑर्डर, वाइज नूडल्स तो मैं लेके आ गया हूँ अभी, बाकी का मेरा ऑर्डर पेंडिंग है। अब देख सकते हो यार कितना खतरनाक लग रहा है देखने में, मैं इसको सर्व कर देता हूँ एक बार इस प्लेट में। नूडल्स एक्चुअली यार मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैं जब भी जाता हूँ नूडल्स तो मिस नहीं करता हूँ। वाइज अभी नूडल ख़त्म करिए, एंड जस्ट हमारी थाली आई है, मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और आपको मैं दिखा सकता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें मेरे को मिली है। अभी आप देखो थोड़ा सा वीडियो मेरे को लग रहा है कि लाइट का थोड़ा सा इशू हो रहा है, क्योंकि लाइट ब्लिंक कर रही है। ये आपका कढ़ाई पनीर हो गया है, या मेरे ख्याल से पनीर दो प्याज़ा भी हो सकता है, क्योंकि प्याज मेरे को ऐसी दिख रही है, शिमला मिर्च होती अगर कढ़ाई पनीर होता तो। ये दाल मखनी हो गई है, एक बार सैलेड है, ये आपका पिकल पापड़, ये आपका एक नान हो गया, लच्छा पराठा हो गया इसमें, एंड देन आपका स्वीट है, एंड देन रायता है, एंड देन ये मिक्स वेज है आपका। तो आप देख सकते हो कम्प्लीटली मील है, सो ये सफिशिएंट फॉर वन तो है, बट हम लोग दो लोग हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा करके हमने और भी चीज़ें ऑर्डर की हैं, तो इसलिए हम धीरे धीरे करके खा रहे हैं, क्योंकि एक साथ ही ऑर्डर कर लेते तो मेरे को लगता है कि मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता। तो वैसा बने रही है, मैं आपको दिखाता हूँ जैसे जैसे मेरा नेक्स्ट ऑर्डर आता है, जो मैंने सैंडविच ऑर्डर किया है वो कैसा दिखता है, एंड मेरे को तो मज़ा आ रहा है यार अपना फूड एंजॉय करने में, और आप लोग भी अपना फूड एंजॉय कीजिए, क्योंकि गाइस देख सकते हो ये हमारा पिज़्ज़ा चीज़ ग्रिल सैंडविच भी आ चुका है, एंड इनकी जो स्टफिंग है मेरे को लग रहा है काफ़ी अच्छी की है इन्होंने, क्रिस्पीनेस तो है इसमें क्योंकि ये ग्रिल होके आया हुआ है, और जहाँ तक मुझे पता है कि यार इनका ये काफ़ी अच्छा होने वाला है। ये एक्चुअली काफ़ी यमी हो रहा है, चीज़ देख रहे हो गाइस आप, टेस्ट तो बहुत अच्छा है सच में, भैया थाली खींचने में लगे हुए हैं, और मैं अपना सैंडविच, हम्म,
मजा आ रहा है मैं तो खाने में। आप भी आओ अपनी फैमिली के साथ, यहाँ पर इनका काफी अच्छा है, आप देख सकते हो सिटिंग एरिया काफी अच्छा है यहाँ पर। और इनका ये बेकरी सेक्शन है, एंड देन इनका वो स्वीट सेक्शन है, सामने इनका लाइव किचन है, और इनके जो स्नैक्स और बिस्किट्स और कुकीज वगैरह आपको चाहिए होते हैं आपके सेक्शन में इन्होंने डिस्प्ले में रखा हुआ है, एंड देन वो आपका ऑर्डर काउंटर हो गया। तो काफ़ी अच्छा बना रखा है, मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ पर नॉर्मली अगर कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहें आप तो यहाँ पर गैदरिंग हो सकती है आराम से, तो आप अपना ईजिली आके अपना फूड इंजॉय कर सकते हो। गाइस मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप कभी भी आते हो तो यहाँ पर ज़रूर आओ और यहाँ का खाना ज़रूर खा के देखो। और हल्दीराम वैसे भी ब्रांड है तो यार यहाँ पर आपको कोई किसी भी चीज़ में मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने की ज़रूरत है, यहाँ पर आपको टेस्ट अच्छा ही मिलने वाली। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे कंटेंट को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, बिकॉज़ ये जो शेयर करें सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ये जो आपका आउटलेट है ये पड़ता है सेक्टर 85 में हल्दीराम्स, और नियर बाय यहाँ पर और भी आउटलेट्स हैं, बट आई विल शो यू नेक्स्ट टाइम, नॉट एट दिस टाइम। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ फ्रेंड्स, कोई भी ब्लॉग जो है ना, ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ, खुद ही मेहनत करना पड़ेगा, कोई आपको सपोर्ट नहीं करता है तो आपको खुद ही आगे बढ़ के चलना पड़ेगा। तो कहीं भी कैसे भी, कई जगह ऐसा होता है कि अलाउड करते भी हैं कई जगह नहीं करते हैं। तो मैं जैसे आया था यहाँ पर तो इन्होंने बोला कि आप वीडियो नहीं बना सकते यहाँ पर, अलाउड नहीं है। तो बोलो ठीक है, हम अपना खाने का जब जो खा रहे हैं हम उसको दिखा देते हैं, हम आपका एडवर्टाइज का नहीं बना रहे। बट लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मैंने आपको दिखा दिया था, हालांकि थोड़ा बहुत बना के जल्दीबाजी में। तो आप बने रहिए मेरे साथ ऐसी और मजेदार वीडियो के लिए, तो नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाता हूँ। बाय गाइस। Gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's